चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस की सूचना आपको सहजता से प्राप्त हो सके। दिल्ली को कानपुर से जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग बुलंदशहर से अलीगढ़ पहुंचने पर राष्ट्रीय राजमार्ग बाईपास होकर एटा की ओर प्रस्थान कर जाता है। पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग अलीगढ़ शहर की ओर प्रवेश करता है। वही अलीगढ़ जहां 1920 में सर सैयद अहमद खान द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। वही अलीगढ़ जो राष्ट्रीय राजमार्गों द्वारा आगरा, मुरादाबाद, बुलंदशहर, दिल्ली, कानपुर, मथुरा और फरीदाबाद से जुड़ा हुआ है। वही अलीगढ़ जिसे 1803 में जिला एवं 2009 में मंडल का दर्जा प्राप्त हुआ। वही अलीगढ़ जिसके ताले की मजबूत पकड़ देश विदेश में है। वही अलीगढ़ जहाँ 14 लाख की विशालकाय जनसंख्या निवास करती है, जो उत्तर प्रदेश में 9वां सबसे बड़ा महानगरीय क्षेत्र है और पिछले 10 वर्षों में बरेली एवं मुरादाबाद को भी जनसंख्या की दृष्टि से पीछे छोड़ चुका है। वही अलीगढ़ जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अब गाजियाबाद, आगरा, मेरठ एवं नोएडा के बाद 5वां सबसे बड़ा महानगरीय क्षेत्र है। बुलंदशहर की ओर से अलीगढ़ में प्रवेश करने पर सारसौल चौराहा, RTO ऑफिस, बन्ना देवी, नुमाइश मैदान, तहसील कोल इत्यादि होकर एक बेहद महत्वपूर्ण चौराहा अग्रसेन चौक नजर आता है। इस अधिव्यस्त चौराहे पर महाराजा अग्रसेन की भव्य प्रतिमा स्थापित है। यहाँ से कठपुला सेतु होकर घंटाघर एवं अनूप शहर मार्ग प्रस्थान करता है। GT रोड दक्षिण की ओर, गांधी पार्क चौराहे की ओर एवं एक मार्ग दक्षिण पश्चिम में रसलगंज मार्ग के रूप में पहचाना जाता है। महाराजा अग्रसेन चौक से दक्षिण की ओर बढ़ते हुए पूर्व की ओर रेलवे स्टेशन का पिछला हिस्सा एवं पश्चिम की ओर रेलवे रोड का अवलोकन करते हुए अलीगढ़ शहर का सबसे व्यस्त चौराहा नजर आता है, जिसे सामान्यतः गांधी पार्क चौराहे के रूप में पहचाना जाता है। यह चौराहा अलीगढ़ शहर का हृदय केंद्र है। यहाँ दिल्ली कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग एवं मुरादाबाद आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग एक दूसरे को काटते हैं। इसी चौराहे के निकट अलीगढ़ डिपो के रूप में पुराना बस स्टैंड स्थापित है। दक्षिण पश्चिम की ओर GT रोड दुबे का पड़ाव, DS कॉलेज, एटा चुंगी एवं धनीपुर मंडी होकर एटा की ओर प्रस्थान कर जाता है। दुबे का पड़ाव चौक से उत्तर पूर्व की ओर जाने वाली मुख्य सड़क रामघाट रोड के रूप में पहचानी जाती है, जो आधुनिक अलीगढ़ में प्रवेश करती है। अलीगढ़ का प्राचीन नाम कोल था, जिसके संबंध में अनेकों कथाएं अलग अलग पृष्ठभूमि की ओर इशारा करती हैं। किंतु अगर बात आधुनिक इतिहास की जाए तो 1803 में अंग्रेजों द्वारा जिला प्रणाली लागू करने पर अलीगढ़ को जिला घोषित किया गया था। उस समय अलीगढ़ का क्षेत्रफल उत्तर में बुलंदशहर, अनूप शहर से लेकर दक्षिण में हाथरस तक फैला हुआ था। किंतु कुछ वर्षों बाद ही 1826 में बुलंदशहर को जिला घोषित कर दिया गया एवं 1997 में अलीगढ़ की हाथरस एवं सिकंदरा राव एवं मथुरा की सादाबाद तहसील को जोड़कर नए जिले हाथरस का सृजन किया गया। रामघाट रोड से पश्चिम की ओर एक मुख्य सड़क समद रोड के रूप में पहचानी जाती है, जो रामघाट रोड को सुभाष चौक अथवा घंटाघर चौराहा से जोड़ती है। समद रोड अलीगढ़ के सबसे विकसित मार्गों में शुमार होता है। समद रोड शहर के अत्याधुनिक चौराहे सेंटर पॉइंट से गुजरता है। सेंटर पॉइंट आधुनिक अलीगढ़ का सबसे प्रमुख चौराहा है। इसके इर्द गिर्द अनेकों व्यावसायिक, वाणिज्यिक कॉम्प्लेक्स एवं देशी विदेशी कंपनियों के ब्रांडेड शोरूम स्थापित हुए हैं। इस मुख्य चौराहे पर भव्य मंदिर टीकाराम मंदिर भी स्थापित है। इस मुख्य चौराहे पर समद रोड एवं मैरिस रोड एक दूसरे को काटते हैं। मैरिस रोड भी अलीगढ़ के अत्याधुनिक विकसित मार्गों में एक है। यह महत्वपूर्ण सड़क केलानगर चौराहा से प्रारंभ होकर डिग्गी रोड एवं सेंटर पॉइंट होते हुए अलीगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन की ओर प्रस्थान करती है। दक्षिण पूर्व की ओर मैरिस मार्ग पर रेलवे स्टेशन रोड नजर आता है, जहां अलीगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन स्थापित है। अलीगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 5 सबसे बड़े एवं व्यस्त रेलवे स्टेशनों में गिना जाता है। यहां से दिल्ली हावड़ा रेलवे ट्रैक एवं एक रेल मार्ग चंदौसी, मुरादाबाद एवं बरेली की ओर प्रस्थान करता है। रेलवे स्टेशन रोड पर उत्तर पश्चिम की ओर सुभाष चौक स्थित है, जहां कठपुला पुल की ओर से आने वाली सड़क अनूप शहर की ओर प्रस्थान करती है। इसी चौराहे पर अलीगढ़ का अति भव्य घंटाघर स्थापित किया गया है। इसी के निकट से अनूप शहर मार्ग पर अलीगढ़ का जिलाधिकारी कार्यालय, जिला न्यायालय एवं
तमाम आला अधिकारियों के कार्यालय स्थापित हैं। इसी क्षेत्र में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का परिसर भी स्थापित है। अलीगढ़ शहर को वर्तमान में 7 थाना कोतवाली क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। यहाँ शहर में रोडवेज के 2 डिपो, अलीगढ़ डिपो एवं बुद्ध विहार डिपो स्थापित हैं। अग्रसेन चौक से प्रारंभ होने वाली एक मुख्य सड़क रसलगंज के रूप में पहचानी जाती है। यह सड़क पुराने अलीगढ़ के मुख्य बाजारों में एक है। इसी मार्ग पर जिला अस्पताल स्थापित है। यह मुख्य सड़क बारहद्वारी चौक होकर अब्दुल करीम चौराहे की ओर प्रस्थान कर जाती है। बारहद्वारी चौक सामान्यतः बेहद व्यस्त बाजारों में शुमार होता है। यहाँ पुराना घंटाघर स्थापित है। इस सड़क को जैन मार्ग काटता है जो नंदन, डीडी सिनेमा एवं गुड़िया बाग इत्यादि होकर अलीगढ़ के पूर्वी भाग में स्थित एक बेहद व्यस्त चौराहे दिल्ली गेट पर पहुंचता है। दिल्ली गेट चौराहा अलीगढ़ के मुख्य चौराहों में शुमार होता है। यहाँ से पूर्व की ओर जाने वाली सड़क खैर रोड के रूप में पहचानी जाती है, जो अलीगढ़ को खैर, जेवर, पलवल, फरीदाबाद इत्यादि से जोड़ती है। पश्चिम की ओर प्रवेश करने वाली मुख्य सड़क बाजार कनवरीगंज पुराने अलीगढ़ के सब्जी मंडी चौक से जोड़ता है। सब्जी मंडी चौक पुराने अलीगढ़ का हृदय केंद्र है। यह चौराहा जामा मस्जिद, ऊपर कोट, जयगंज, अब्दुल करीम चौक इत्यादि से जुड़ा हुआ है। पुरानी सब्जी मंडी चौराहा, अब्दुल करीम चौक एवं फूल चौराहा एक दूसरे से सटे हुए हैं। सब्जी मंडी चौक से उत्तर पूर्व की ओर से प्रारंभ होने वाली मुख्य सड़क रेलवे रोड के रूप में पहचानी जाती है। रेलवे रोड अलीगढ़ का प्रमुख बाजार है। इस मुख्य बाजार से महावीरगंज, अब्दुल करीम चौक, पत्थर बाजार, बाजार मामू भांजा इत्यादि अलीगढ़ के अनेकों प्रमुख बाजार जुड़े हुए हैं। यह सड़क ऊपरकोट को रेलवे स्टेशन के पिछले हिस्से से जीटी रोड से जोड़ती है। रेलवे रोड की भव्यता देखते ही बनती है। दोनों ओर अनेकों व्यापारिक प्रतिष्ठान, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कतारबद्ध नजर आते हैं। गांधी पार्क चौक से प्रारंभ होने वाली आगरा मथुरा रोड भी अलीगढ़ के सबसे व्यस्त मार्गों में गिनी जाती है। यह सड़क दुबे का पड़ाव से आने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़कर मदार गेट, अचल रोड, खिरनी गेट एवं सासनी गेट चौराहे पर पहुंचकर दक्षिण की ओर आगरा एवं पश्चिम दक्षिण की ओर मथुरा की ओर प्रस्थान कर जाती है। अलीगढ़ महानगर अपने ताला उद्योग एवं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के साथ ही आपसी प्रेम भाव के रूप में भी पहचाना जाता है। अलीगढ़ जैसे महानगर को कैमरे में कैद करना मेरे लिए एक सौभाग्य का विषय है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अलीगढ़ महानगर का यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने उन मित्रों एवं प्रियजनों के साथ शेयर करें जो अलीगढ़ शहर एवं अलीगढ़ जनपद से जुड़े हुए हैं। मुझसे सीधा जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम पर अकाउंट ध्रुव एम्पायर को फॉलो कर लें। आपसे मुलाकात होगी अगले ऐसे ही किसी वीडियो में। तब तक मैं ध्रुव वर्मा आप सभी से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।